Hi friends, I'm sorry for my long absence due to other obligations. Capes are always been an interesting topic for the discussion. Today, I will present Sonbhadra Capes situated in the foothill of Vaibhav Hill at Rajgir, India. Sonbhadra means store of gold. According to the inscription written at the entrance, the capes were constructed by a Jain Muni Bhairadeva in 3rd or 4th century. There is a mystery behind this cave. According to the legend, it is believed that one of the ancient caves was used to hide immense treasure of Bimbisar, king of Magadha, by his wife with the help of this Jain Muni. When his son Ajatashatru detained King Bimbisar, it is also said that the great monk not only kept the treasure deep inside the cave but also locked the cave with his spiritual power. The secret to open the Sonbhadra caves was perhaps known only to Bimbisar and his queen other than the Jain Muni. Bimbisar died in prison. Soon after, Ajatashatru is said to have a change of heart. The treasure was probably forgotten or perhaps ignored by him. Several attempts have been made to discover this hidden treasure but were in vain. Mughals attacked this cave to plunder the treasure. In fact, officials from the British government tried to blow the walls of the cave with strong explosive but could not succeed. All these activities have only intensified the mystery behind these caves. The mystery is how come Bimbisar's treasure was stored in this cave when there was no existence of the same. To further clarify, we approached to a local guide for narrating the story. पहाड़ के भीतर 3 माइल की लंबी सुरंग है, जो गर्म जल का कुंड है। वहाँ से 565 सीढ़ी पहाड़ पे उड़ जाइए, वहाँ सप्तपर्णी गुफा पिपली गुफा खुला हुआ है, उसका संबंध यहाँ तक बताया जाता है। भगवान बुद्ध के मरने के 3 महीना बाद उसी गुफा के अंदर प्रथम संगीति सभा सम्मेलन हुई थी। उसके भीतर 500 छात्रों का बैठने का जगह है। उसी के भीतर त्रिपिटक नामक बुक लिखा गया था। इन 3 पुस्तक हैं, सुत्पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म, ये 3 बौद्धों के धार्मिक पुस्तक। लेकिन टूरिस्ट लोग जो देखने आते हैं, हाथ मुंद कर देखने आते हैं, सोन भंडार को सोना के भंडार कर कर देखने आते हैं, वो दंत कथा किसी पुस्तक में नहीं लिखा गया। लोग अपने इच्छा से कहते चले आ रहे हैं कि उसके भीतर बिंबिसार का खजाना छिपा हुआ, जबकि बिंबिसार का जन्म 2600 वर्ष पहले हुआ था। एक गुफा का निर्माण 1700 वर्ष पहले हुआ है, तो जो व्यक्ति 900 वर्ष पहले मर चुका हो उसका खजाना कहाँ से आ सकता है।
लोग कहते चला कि अंग्रेज लोग आया था तो जंगला से तोप रहा लेकिन टूटा नहीं। अंग्रेज इतना तेज था कि भारत में आया तभी रेलवे लाइन बिछाया, 7 पहाड़ काट के बम्बे रेलवे लाइन ले गया, 3 पहाड़ काट के गया से कोडरमा लाइन ले गया। साधु संतों ने हाथ हथौड़ी छेनी से गुफा काटा। आपने पेपर में पढ़ा हो कि दशरथ महाराज अकेले 25 वर्ष में 6 किलोमीटर पहाड़ काट दिया। भारत सरकार 5 वर्ष पहले इसी पहाड़ को काट के राजगीर चलिया रेलवे स्टेशन ले गया, इसको काटना क्या है। बाद में भारत के प्रथम वैज्ञानिक डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु कलकत्ते का निवासी गर्म पानी के झरने को जांच कर बताए, क्योंकि गर्म पानी का झरना इसी पहाड़ से जा रहा है। गंधक रेडियम लोहा से टच करके जाता है, इसे पानी गर्म हो जाता है। इसको डायनामाइट से तोड़ा जाए टूट जाएगा, लेकिन गंधक रेडियम लोहा की वजह से आग लग जाएगा, भूकंप हो जाएगा। भंडार इसके भीतर सोना चांदी दीवार पर कुछ लिपि लिखा हुआ है। बुजुर्गों ने अफवाह फैला दी है कि जो कोई पढ़ेगा तो दरवाजा खुल जाएगा अपने आप। वो शंख लिपि है, शंख लिपि का पढ़ाई सारे संसार में नहीं होता है। संसार का द्वितीय विश्वविद्यालय नालंदा था, जहाँ 3 लाइब्रेरी थी, जिनको मोहम्मद अलाउद्दीन बख्तियार नामक मुसलमान राजा ने 1100 में जला दिया। लेकिन हमारा पर्सनली कहना है, हम भी पढ़े लिखे आदमी, जिसमें विद्यालय था जिसमें पढ़ाई होता था वहाँ 1500 से 1100 का पढ़ाई होता था, उसी समय पढ़ के सोना चांदी क्यों निकालते निकालते थे कहने के भीतर सोना चांदी है। अगल बगल गड्ढे हैं, उसे पत्थर के पिलर था, इसके ऊपर वारंडा था, तो 1934 इसके भूकंप में टूट गया। ये 2 तल्ले का जैन मंदिर था, मंदिर 1934 इसके भूकंप में टूट गया। ब्रिक वॉल चूने सुखी का प्रस्तर 1934 के बाद प्रस्तर विभाग बनाया गया। दीवार पे 4-5 प्रतिमा है, सब जैन प्रतिमा है, उस भूकंप से टूटा कुछ ने नष्ट कर दिया। उस समय रागी का नाम था गिरी वर्ग, गिरी माने पहाड़ी, वर्ग माने बाकी। इसी 5 पाग में प्राचीन हो गई 5000 वर्ष पहले राजा सिंहासन, 2500 वर्ष पहले राजा का विस्तार, उसके बाद पहचान भारत की। अभी जब राज्य चौहान है विस्तार का बेटा अजात शत्रु ने बसाया, अजात शत्रु का बेटा उज्जैन ने असर धांटा के काशीपुर पटना ले गया। एक चाहते 100% सत्य, कहीं से कोई को काट नहीं सकता।